किसान भाइयों नमस्कार। किसान भाइयों देखो, बात छोटी है लेकिन बात अच्छी है, तो इसको ज़रा ध्यान से सुनना है और पूरा देखना है। किसान भाइयों, बात यह है कि आलू की बुआई का जो रकबा है इस बार करीब 15% तक बढ़ चुका है। पिछली बार जो आलू की बुआई थी उससे 15% आलू की बुआई इस बार ज़्यादा हुई है। इसका कारण किसान भाइयों ये है, जो पंजाब में हाहाकार मच चुका था कि आलू बेकार हो गया, ख़राब हो गया, तो उन किसानों ने भी आलू जो करते थे हर साल उन्होंने भी बढ़ा दिया है, ये तो आपको मानना पड़ेगा। लेकिन जो किसान कभी आलू नहीं करते थे उन्होंने किसान भाइयों काफ़ी आलू कर दिया है। तो किसान भाइयों आप सोच रहे होंगे मैं कैसे कह रहा हूँ, मैं किसान भाइयों ऐसे कह रहा हूँ, देखो एक छोटी सी बात बता दूँ, अगर एरिया में घूमोगे तो आपको आलू दिखेगा, वो तो बात क्लियर है, ठीक है, आलू दिखेगा, ज़्यादा दिखेगा है, ये तो बात है। लेकिन एक बात और बताइए, ये चलो लेट बुवाई शुरू हुई थी, ठीक है, जो आलू हमारा 15 अक्टूबर को बोना था वो हुआ है, फिर 25 नवंबर के, वो 25 अक्टूबर के बाद बुवाई शुरू हुई है, कोई बात नहीं, 10 दिन लेट हुई है, लेकिन 10 दिन पीछे भी लेट की है किसान भाइयों ने, 20 नवंबर तक बुवाई कर रहे हैं किसान, कोई बात नहीं है, चलो वो कवर कर लिया। लेकिन आपने ये सोचा है, जब आप बुवाई वाले से पूछोगे ना तो वो बोलेगा आपसे कि पहले मैं 20 से और 25 या 30 बीघे बोता था एक दिन में, आज मैं बो रहा हूँ 30 से 35 40 बीघे, यानी ज़्यादा ही बो रहा हूँ एक दिन में पिछले साल से। और क्यों बो रहा हूँ, क्योंकि किसान भाइयों हर किसान ये कह रहा है कि मेरे आलू बो, मेरे आलू बो, तो उनको भी इतना टाइम नहीं था, मशीन बोने वालों को, उनको भी ये मान लो ज़्यादा बोना पड़ा इस बार, तो ये सब आंकड़े अगर लगाए ना तो काफ़ी ज़्यादा आलू बोया गया है। अब 20 से 15 से 10% अगर आलू बोया गया है तो चलो पंजाब पिट गया, इस वजह से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन अब डिपेंड करेगा किसान भाइयों पैदावार के ऊपर। तो पैदावार तो किसान भाइयों ऊपर वाले के हाथ में, कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकता है। तो अगर आपके यहाँ कितना आलू बोया गया है नीचे कमेंट में आप जरूर बताइए, किस जिले से हो। वीडियो देखने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार किसान भाई।